शारदीय नवरात्रि के अवसर पर महानगर के विभिन्न पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित हो गई हैं। मां दुर्गा के पंडालों में आयोजकों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जा रही है। पंडालों पर अधिक भीड़ भाड़ न होने पाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिसके संबंध में एक आयोजक प्रभुनाथ गुप्ता ने बताया कि प्रशासन के निर्देश के अनुसार पंडालों पर सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। पंडाल पर सीसीटीवी कैमरा, सैनिटाइजर मशीन को लगवाया गया है और जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और जो लोग मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस के साथ ही उनको दूर से ही माता के दर्शन करवाया जा रहा है। किसी भी श्रद्धालु को माता की मूर्ति को छूने की परमिशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष लगभग हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पंडालों पर होती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से संख्या 100 से भी कम है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुर्गा पूजा के आयोजक प्रभुनाथ गुप्ता और अमरजीत कुशवाहा ने कहा, विंध्यवासिनी की, विद्याता की महारानी की, आज की हर हर महादेव। हे माँ, भक्त का कल्याण करना माँ। अमरजीत कुशवाहा, दाऊदपुर काली मंदिर लद्दिया स्वामी बैठाता हूँ। करीब 32 साल से बैठाता हूँ। 16 साल मेरे भैया बैठा थे, बबलू कुशवाहा एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में, उसके बाद मैं बैठा रहा हूँ। दर्शन जो आ रहा था शादी कहते दर्शन, एक एक आदमी को हम यहाँ पे हैं 24 घंटे, एक आदमी को अंदर जाने दे रहे हैं, वो निकल रहे हैं, दूसरे आदमी को कर रहे हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा? नियम का पालन नहीं है कि मतलब भीड़ मत होने दें, हम भीड़ मत होने दें, मतलब दूरी बना रखें, और उतना भीड़ तो हो ही नहीं रहा है। मास्क लोग लगा के आ रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं लोग, कुछ लोग मास्क लगा भी नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कोरोना खत्म हो गया है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं भैया मास्क लगाइए, मास्क का नियम पालन करिए, दूरी बना के रखिए, भीड़ भाड़ से बचिए। भीड़ तो सर पहले तो उसी समय बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस साल तो भीड़ एकदम है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तो जगमगा जाता था। कम से कम समझिए अगले साल तो 10% था, इस बार तो 2% भी नहीं है। देखने वाले नहीं आ रहा, देखने वाले कोई नहीं आ रहा है, बस मोहल्ले के लोग हैं जो आ रहे हैं। प्रभुनाथ गुप्ता, हमने प्रशासन के द्वारा निर्देशित सारे आदेशों का पालन हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने सैनिटाइजर मशीन, सीसीटीवी कैमरा आदि जितने भी उन्होंने निर्देशित किया है उस सारे चीज़ों को हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है। कोरोना गाइडलाइन के तहत जो दस्तावेज आ रहा है उनके नियमों का पालन, सारी चीज़ों का नियमों का पालन हम लोग करवा रहे हैं। उन लोगों को मूर्ति वगैरह छूने की कोई आदेश परमिशन नहीं है, जितना कम से कम भीड़ हो सके वो कोशिश की गई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था है, सैनिटाइजर मशीन वगैरह भी हम लोगों ने लगवा रखा है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है, मास्क वगैरह अपने वहाँ सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ है।
हर साल मतलब काफी भीड़ होता था इस दिन? हाँ, हर साल तो सर हजारों की संख्या में भीड़ होती थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ना के बराबर ही मान के चलते हैं इस बार हम लोग। आपका